मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दीवा खरडी रोड स्थित सुरमे गली डावला रसीद चाल में करीब 2 महीने से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से इन लोगों पर बीमारी का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी बराबर आता नहीं है और अगर आता है तो बदबूदार गंदा पानी जिसमें कीड़े भी रहते हैं। बाहर से पानी लोग खरीद कर पीने को मजबूर हैं। यही नहीं, छोटे छोटे नाले भी भरे पड़े हैं जिसकी वजह से गंदा पानी ऊपर बह रहा है, जिसके आसपास बच्चे खेलते भी हैं और लोगों का आना जाना भी है। ऐसे में इस गंदे पानी से लोगों को भयानक बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इन सब समस्याओं को स्थानीय नगर सेवकों को भी जानकारी दी गई है, मगर अब तक नतीजा सिर्फ 0 रहा। इस परिसर में कई परिवार ऐसे हैं जो आज भी पानी बाहर से खरीद कर पी रहे हैं, क्योंकि पानी जो आता है वो बेहद गंदा और बदबूदार आता है। क्या कहा है स्थानीय लोगों ने? क्या नाम है आपका? हाँ, सुरेश अस्थाना। क्या क्या दिक्कत थी आपको? यहाँ पानी नहीं आ रहा 2 महीने से। पानी जो आ भी रहा है थोड़ा बहुत, गटर का पानी खींच के आ रहा है, उसमें कीड़े पकड़े, वही पीने का, उधर बच्चे सब बीमार, पूरा एरिया में नहीं आ रहा, आगे वो उसके पास नहीं आ रहा, उधर पूरा लाइन ही वैसे ही पानी आ रहा है, सब परेशान है। टैंकर बाहर से प्राइवेट मंगा के सब बेचारे वो पानी पी रहे, बीमार पड़ रहे, सब यही सब तकलीफ है। आज गंदा पानी बॉटल में भर के पानी विभाग दीवा देके आए और नगर सेवक को भी बता दिया। आपने जो है इस गंदे पानी को लेकर कहां कहां पर जो है शिकायत की है अब तक? अभी नगर सेवक को भी बता दिए और पानी विभाग वो जो दीवा में प्रभाग समिति है म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस, उसमें भी बता के सैंपल दे के कंप्लेन करके आ गए। क्या कहा गया पानी प्रोठा विभाग से? बोले 2-3 दिन में देखेंगे क्या है, सब चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखेंगे क्या करना है। आता तो बहुत गंदा पानी आ रहा है, उसको पीने जैसे नहीं रहता। कितने दिनों से मतलब? अरे 4-5 महीना से ऐसे है। कितने दिन पे पानी आता है? अरे कभी आता है तो 2-3 दिन में आता, तो थोड़ी इतना गंदा आता कि भरने के लिए नगर सेवक को शिकायत किया आपने? आप लोगों ने कभी शिकायत की नगर सेवक के पास भी जाके आए? क्या बोले नगर सेवक? बोलता है उधर जाके कंप्लेंट करो, इधर जाके कंप्लेंट करो। कहाँ पे? वो म्युनिसिपैलिटी ऑफिस है ना, उसके अंदर। किस नगर सेवक के पास गए थे आप? ये मेरा पाटिल है नगर सेवक। पानी आ ही नहीं रहा, एक वो टैंकर आ रहा है, वो भरने के लिए रखा है। गंदा है, कुछ भी नहीं है। वो जो थोड़ा आया है वो भी गंदा है। बाहर से ही मंगा रहे टैंकर से पानी, अभी टैंकर आए ड्रम खाली कर। जो आप लोग पीने का पानी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से फिर ला रहे हैं? टैंकर का ही है, टैंकर के पानी है, भर के रखे हैं। वही भर के रखा है, 3 दिन भर आया, 3 आज पानी खलास हो गया। अभी वो बाटली बिस्लरी वो बाटली मंगा लेते हैं, तब बाहर से नहीं आवत है ना, बिस्लरी आवत है, ये सब बास मारत है ना, पी नहीं जाते। बावड़ी का इधर का पानी कुछ भी नहीं पी जाते। अभी उसमें एक आध दिन आएगा तो इतना पूरा मट्टी आएगा, पूरा मट्टी से पूरा भर जाएगा, पूरा कीड़ा तो आवत है, पूरा गटर आता है, पानी में कीड़े आ रहे हैं, पानी में कीड़े, वो गटर के का पानी आता है इधर। 2-3 दिन के बाद बोरिंग का पानी लेके आते हैं, ठंडे से नहीं आ रहा है, आता है तो एकदम गंदा पानी आता है, पानी ऐसा पीने लायक नहीं रहता है, इतनी बास मारती है उसमें गटर जैसी, और आता है तो गंदा आता है तो आता ही नहीं पानी। कितने दिन से तक? 2 महीना हो गया। 8-10 रूम है हम लोगों के, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 रूम है, उसमें डेंगू मलेरिया, अभी एक जन को डेंगू हुआ था। ये इतनी गंदगी यहाँ पर है तो नाले वाले के लिए कभी आप लोगों ने कुछ शिकायत की स्थानीय नगर सेवकों से कि नहीं की? ये नगर सेवकों से आज से नहीं है, वो कम से कम हमको 1.5-2 साल हो गया। ये बारिश में तो ऐसा हाल था कि रात के 2-2.5 बजे सबके घर में पानी घुस रहा था, इस साल बारिश भी बहुत थी। नगर सेवक बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते है, हमको नया रास्ता। किसके लिए नया रास्ता? गटर बनाने के लिए, पीछे से मैं गटर निकालूंगा, पीछे से रास्ता। आप लोगों से रास्ता मांग रहे? हाँ, जो है उसको क्लियर नहीं करके दे रहे। रास्ता किससे मांग रहे हो? हमसे मांग रहे, पीछे तुम्हारे नाला है, यहाँ से रास्ता दे दे तो मैं यहाँ से बना के दे दूँगा, ऐसा बोलते हैं। एक ने 10 बार उनके पास कंप्लेन की। ये खरडी रोड के पास डावला सुरमेचाल रसीद चाल के लोग हैं जो दीवा प्रभाग समिति के हद में हैं। पानी की शिकायत सुरेश अस्थाना ने अब दीवा पानी पुरवठा विभाग
के उप अभियंता सुनील जाधव से की है और उन्हें पानी का सैंपल भी दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि अब इनकी समस्याओं पर स्थानीय नगर सेवक और पानी पुरोठा विभाग कब हल करेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।